जी हाँ नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बढ़ते हैं खबर की ओर, आपको बता देगी जहां पर 16 जवानों की मौत हो गई, इस वक्त की बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको बता दें कि खबर सिक्किम गंगटोक से निकल कर आ रही है। दरअसल सिक्किम के जेमा में शुक्रवार को आर्मी का ट्रक खाई में गिर गया। आपको बता दें कि दरअसल 16 की खबर आ चुकी है, 4 के हालात ठीक नहीं है। आर्मी ने बताया कि वाहन एक तीखे मोड़ पर फिसल गया था और सीधे खाई में जा गिरा। आपको बता दें इसके साथ ही आर्मी के 2 वैन और थे, तीनों वाहन सुबह चटन से थंगू के लिए निकले थे। सेना की रेस्क्यू टीम फिलहाल जारी है, एयरलिफ्ट किया गया है सभी को। आपको बता दें कि उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर दुख जताया है, यहां तक कि जल्द ठीक होने की कामना की है। पीएम ने सभी के परिवार वालों को राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की घोषणा की है और वहीं घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर दुख जताया और लिखा कि उत्तरी सिक्किम में इस घटनाक्रम में भारतीय सेना के जवानों के लिए दुख बहुत है, देश उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रति कृतज्ञ है। सभी जवानों के परिवार को मेरी संवेदनाएं और इस घायलों को जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। फिलहाल मौके पर प्रशासन भी तैनात किया गया है। सो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल पर, नए विजिट करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।